चीन के युद्धक विमान और नौसेना के बेड़ों ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में हद पार कर दी है। ताइवान और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। अमेरिका ने भी ताइवान के आसपास विश्व युद्ध का बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन जिनपिंग ने अमेरिका के सबसे आधुनिक हथियारों का जवाब और भी आधुनिक और घातक हथियारों से देने का फैसला किया है। ताइवान स्ट्रेट के आसपास घूम रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए चीन ने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली है। ड्रैगन ने अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली झलक भी दिखा दी है। इसलिए अब देखिए रणभूमि ताइवान, शी बाइडेन के ब्रह्मास्त्र। चीन ताइवान संग्राम, क्या हो गया ऐलान? क्या शी जिनपिंग ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश दे चुके हैं? क्या चीन इसी महीने ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है? ताइवान की तरफ हुए पहले धमाके के साथ विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? चीन चुपचाप बहुत घातक तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी बहुत बड़े युद्ध के हथियार जमा कर रहा है। ताइवान के आसपास इतना बारूद इकट्ठा हो रहा है जिसके इस्तेमाल की नौबत आ गई तो विश्व युद्ध और उससे हुए विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ताइवान ने पिछले दो दिन में चीन के कम 14 युद्धक विमानों की पहचान की है जिन्होंने ताइवान के हवाई क्षेत्र की हद लांघने की कोशिश की। इसी तरह ताइवान ने चीन के कम 4 नौसैनिक जहाजों को चेतावनी देकर पीछे हटने को मजबूर किया है जो ताइवान के समुद्री इलाके में दाखिल हो गए थे। चीन के युद्धक विमानों और नौसैनिक जहाजों को पीछे हटाने के लिए पहली बार ताइवान को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सक्रिय करना पड़ा। इस साल ये पांचवी बार है जब चीन ने ताइवान की तरफ अपने युद्धक विमान और नौसेना के लड़ाकू बेड़े भेजे हैं। अब तो ये रोज की बात हो गई है। ये युद्ध के ऐलान से पहले का अंतिम अभ्यास है। चीन हर हालत को परखना चाहता है, देखना चाहता है कि ताइवान की तरफ युद्ध की तैयारी क्या है। हमला हुआ तो ताइवान की पहली प्रतिक्रिया कैसी होगी? चीन ने ताइवान की तरफ पहला बम फेंका तो अमेरिका क्या करेगा? चीन को हमला करना है ये तय है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसता देख चीन भूक भूक कर कदम रख रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात पर पक्की मुहर लगा दी है। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के खराब प्रदर्शन से चीनी नेता हैरान और परेशान हैं। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की गंभीर महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन युद्ध से पहले वो थोड़ा संभल गए हैं। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। चीन ने रणनीति बदली है, लेकिन युद्ध और ताइवान पर कब्जे का इरादा नहीं बदला। चीन सिर्फ ताइवान से नहीं बल्कि अमेरिका से भी लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसलिए वो अमेरिका के हथियारों की बराबरी में युद्ध स्तर पर लगा है। अब उन
दो हथियारों के बारे में सब कुछ जानिए जिन्हें चीन किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी बनाने और रणभूमि में उतारने की कोशिश में लगा है। भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे चीन का पहला बड़ा हथियार है एयर लॉन्च कैरियर किलर मिसाइल YJ-21 और अमेरिका से मुकाबला करने की होड़ में चीन का दूसरा हथियार बनेगा छठी पीढ़ी का फाइटर जेट। अमेरिका ने अभी हाल में ही अपनी छठी पीढ़ी वाले बॉम्बर और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की ताकत दुनिया को दिखाई थी। चीन चाहकर भी अमेरिका से पहले छठी पीढ़ी का युद्धक विमान नहीं बना पाया, लेकिन नकल करने में माहिर चीन अब तेजी से छठी पीढ़ी के युद्धक विमान पर काम जरूर कर रहा है। द एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी AVIC चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित कर रही है। AVIC ने चीनी वायुसेना के एक प्रोपेगेंडा वीडियो में चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की एक कंप्यूटर से बनी तस्वीर दिखाई है। इस तस्वीर में चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का डिजाइन चीन के चेंगदू J-20 जैसा ही लग रहा है। फर्क सिर्फ टेल का है, यानी चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के डिजाइन में उसे टेल लेस रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर को अमेरिका ने अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। अमेरिका के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की इस तस्वीर से ड्रैगन तिल मिला गया। इसके तुरंत बाद चीन ने भी अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की एक तस्वीर जारी की थी। बात पूरी दुनिया तक पहुंच जाए इसलिए चीन ने इसके लिए अपने एयर शो को चुना था। चीन ने जुहाई एयर शो 2022 में अपने छठी पीढ़ी के युद्धक विमान की पहली झलक एक कार्डबोर्ड पर दिखाई थी। इस तस्वीर से साफ हो गया कि अमेरिका के छठी पीढ़ी के युद्धक विमान की तरह चीन का छठी पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी छोटा, हल्का, तेज और टेललेस होगा। चीन ने जुहाई एयर शो में दावा किया था कि 2026 या उससे पहले ही वो अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेगा। इसकी खूबियां क्या क्या होंगी ये चीन ने नहीं बताया, लेकिन दावा किया कि ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि अमेरिका और ब्रिटेन के डिफेंस इनपुट हमेशा दावा करते हैं कि चीन अभी अपने दम पर छठी तो छोड़िए पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट भी नहीं बना पाया है। चीन का वो हथियार देखिए जिसके दम पर जिनपिंग का जंगी मंसूबा मजबूत हो रहा है। चीन ने दुनिया के सामने अपनी सबसे नई एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पेश की है। ये चीन की मिसाइल YJ-21 का नया संस्करण है। इस बार चीन ने अमेरिका के नहीं बल्कि रूस के सबसे मारक हथियार यानी रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंचल को कॉपी कर लिया है। चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल YJ-21 की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है और इसके निशाने पर ताइवान के आसपास तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका अक्सर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान स्ट्रेट में भेजता रहता है। इस वक्त भी अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में चीन के मंसूबों को तबाह करने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन अब चीन की वायुसेना ने अपने बॉम्बर शियान H-6K में नई YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल फिट कर ली है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। इस तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर चीन जाने वाले हैं। इस दौरान वो चीनी अधिकारियों के साथ रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा करेंगे और चीन ताइवान तनाव पर भी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर चीन जाएंगे। चीन के विदेश मंत्री ने ब्लिंकन की यात्रा का स्वागत तो किया है, लेकिन अमेरिका पर ताना मारना भी नहीं भूले।
अब देखना यह है कि ब्लिंकन की चीन यात्रा के बाद ताइवान का तनाव कम होगा या विश्व युद्ध की तारीख तय हो जाएगी।